हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमएलए क्रॉसिंग में हुए भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ मार्ग अभी बहाल भी नहीं हुआ है और शिमला के यूएस क्लब के समीप एक और भूस्खलन देखने को मिला है। इस भूस्खलन से एक दो मंजिला निजी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा एक बिजली का खंभा भी सड़क पर लटका हुआ है। यहाँ सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा धस गया है, इस कारण यातायात भी अवरुद्ध हो गया है। यह हादसा मच्छी वाली कोठी के पास पेश आया है। स्थानीय निवासी करण नंदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा करीब 7 बजे पेश आया। मच्छी वाली कोठी करण नंदा का निजी निवास है और उनके घर के साथ ही यह हादसा पेश आया है। हादसे की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है। इसे लेकर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बिजली विभाग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि सड़क के नीचे के मकान खाली है और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हादसे वाली सड़क के ऊपर आर्मी का आउट हाउस भी है। इस हादसे में सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा धस चुका है। एक दो मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा एक बिजली का खंभा भी हवा में लटका हुआ है। यह एक रिहायशी क्षेत्र है, ऐसे में हादसे के कारण अब आसपास के करीब 2 दर्जन मकानों को खतरा पैदा हो गया है। हादसे की आशंका को देखते हुए जमींदोज हुआ मकान पहले ही खाली करवा दिया गया था, जिससे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।